मेरे भाई बहन, जब टेंशन आए, जब कष्ट आए, दुख आए, परेशानी आए, तो क्या करना चाहिए? तीर्थों में घूमने लग जाना चाहिए, है ना? जब घर में भी खूब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए तो तीर्थों में निकल जाना चाहिए, लंबे लंबे समय के लिए तीर्थों में भ्रमण करो। तीर्थ में भ्रमण करने से मन में शांति आती है। जीवन जीने का महत्व तीर्थों में भ्रमण करने से पता लगता है, है ना? इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि तीर्थों में जाओ तो धक्का मत मारो। धक्का खाने की आदत डालो ना थोड़ा थोड़ा। जिसने सही ना दुख की पीड़ा, सुख का मरम वो क्या जाने। जिसने जीवन में दुख नहीं सहा वो सुख का क्या मतलब जानेगा, सुख क्या होता है। सुख ही सुख जीवन में भोगते चले आ रहे हो तो दुख का पता कैसे लगेगा। और जिसने दुख झेला, तीर्थ में जाकर कभी एक समय भोजन मिला, कभी नहीं मिला, कहीं रहने की व्यवस्था मिली, कहीं नहीं मिली, कहीं साधन चलने को मिला, कहीं नहीं मिला। पहले हम सुनते थे कि तीन तीन दिन तक चलते रहते थे, भोजन नहीं मिलता था, और फिर भी लोग तीर्थ का सेवन करते थे। करते थे कि नहीं करते थे? कई दिन तक भोजन नहीं मिलना, रहने की व्यवस्था नहीं मिलनी, पैदल यात्रा करना। अब तो भैया कई लोगों का फोन आता है, महाराज जी हेलीकॉप्टर में बुकिंग की व्यवस्था करा सकते हो, हैं? हेलीकॉप्टर में उड़ करके तुम गए, दर्शन करके चले आए, तो तुम्हें क्या पता लगा कि तुम दर्शन किए कि नहीं किए।